Hello, students. Once again, welcome to the class. I am Purnima PGT Computer Science in Kindra Sangathan and today we will be talking about sorting in Python. So, now when I am saying the word sorting, the very first question that comes in mind is what is sorting? So, sorting is arranging the elements of a sequence in some specific order. Ek, uh, एक कोई न्यूमरिक वैल्यूज़ की भी हो सकती है या कोई भी कोई भी एक सीक्वेंस है मेरे पास और उसके एलिमेंट्स को मेरे को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है एंड दैट स्पेसिफिक ऑर्डर कुड बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है किसी भी ऑर्डर में जब मैं एक सीक्वेंस uh, के एलिमेंट्स को अरेंज करूँगी तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉर्टिंग ठीक है तो और सॉर्टिंग uh, के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं एंड थ्री विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज बबल सॉर्ट सेलेक्शन शॉट एंड इंसर्शन शॉट सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट टूडे वी विल टॉक अबाउट बबल शॉट तो बबल शॉट में क्या होता है बेसिकली एक जैसे मैं सपोज एक ये लिस्ट ले लेती हूँ तो बबल शॉट में मैं क्या करूँगी मैं जो एलिमेंट्स uh, हैं लिस्ट के उनको कंपेयर करूँगी फ्राम लेफ्ट टू राइट आई विल मूव और मैं uh, जो एडिसेंट टू एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करती जाऊंगी एंड लेट सपोज मेरे को इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हेर यू कैन सी कि ये किसी भी सीक्वेंस में नहीं है ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है मुझे इसे इस लिस्ट इस को सपोज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैं दो एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगी जो बड़ा एलिमेंट है वो पीछे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर तो उसको पीछे अरेंज कर दूँगी और छोटे एलिमेंट को आगे ले आऊँगी पूरी सॉर्टिंग uh, प्रोसेस में बबल सॉर्ट प्रोसेस में मेरा जो मेन जो कंसेप्ट है वो यही रहेगा कि मैं दो एडजिस्ट एलिमेंट्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल कंपेयर एंड अरेंज देम एज पर द डिजायर्ड ऑर्डर ठीक है तो uh, एक प्रोग्राम देख लेते हैं इसका कि जैसे सपोज मैंने ये लिस्ट इनिशलाइज कर ली है सेम लिस्ट ली है मैंने ठीक है मैंने ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट किया है देन मैंने लेंथ फाइंड आउट कर ली एन में डाल ली राइट right? तो एन की वैल्यू हो गई मेरी सेवन अब मैं क्या कर रही हूँ फॉर आई इन रेंज एन माइनस वन मतलब कहाँ तक चलेगा आई इन रेंज जीरो से लेके सिक्स तक मेरा ये लूप चलेगा और उसके अंदर मैं एक और लूप चला रही हूँ फॉर जे इन रेंज ज़ीरो टू एन माइनस वन माइनस आई ठीक है तो यहाँ मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ अब देखो अगर लिस्ट जे एंड लिस्ट जे प्लस वन ये दो दो एलिमेंट्स जे एंड जे प्लस वन मतलब मैंने एडजेसेंट टू एलिमेंट्स को कंपेयर किया जो बड़ा है उसको मैं पीछे ले जाऊंगी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ लिस्ट जे असाइन द वैल्यू लिस्ट जे प्लस वन एंड लिस्ट जे प्लस वन असाइन द वैल्यू लिस्ट जे मल्टीपल असाइनमेंट है सिंगल स्टेटमेंट में यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट कि uh, क्या इसको हम स्वैपिंग बोलते हैं स्वैपिंग मतलब जब मैं दो जैसे यहाँ पे मैंने सेवन और फाइव को कंपेयर किया एंड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ये सेवन पीछे होना चाहिए फाइव आगे होना चाहिए तो मैं इन दोनों एलिमेंट्स की लोकेशन को चेंज कर रही हूँ इसको इसकी जगह पे लेके आ रही हूँ और इसको इसकी जगह पे लेके आ रही हूँ तो उसको हम बोलते हैं स्वैपिंग ठीक है तो ये मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही हूँ स्वैपिंग ही कर रही हूँ तो और उसके बाद फिर मैंने जो मेरा इनर लूप जब पूरा ख़त्म हो जाता है उसको मैं बोलती हूँ पास जो मेरा एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन होता है इनर लूप का उसको मैंने बोला पास तो लिस्ट आफ्टर पास जो भी होगा वो मैं उसको प्रिंट करवाती जा रही हूँ एंड फाइनली सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करवा रही हूँ अब देख लेते हैं कि पास में हो क्या रहा है अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मेरी आई की वैल्यू ज़ीरो से लेके कर सिक्स तक चलेगा ठीक है पास वन में मेरी आई की वैल्यू क्या है ज़ीरो ठीक है तो पास वन मेरा चलेगा कहाँ से जे uh, की वैल्यू जीरो से लेके एन माइनस आई माइनस वन मतलब एन uh, की वैल्यू क्या है सेवन सेवन माइनस वन हो गया सिक्स और सिक्स माइनस वन मेरा क्या हो जाएगा फाइव तो इंडेक्स वैल्यू फाइव तक मेरा ये लूप चलेगा तो बेसिकली मेरा पास वन कहाँ तक चल रहा है यू कैन सी हेयर कि ये जो मैंने बोल्ड बॉर्डर कर रखा है सेवन फाइव नाइन फोर टू एट एट का इंडेक्स वैल्यू फाइव है देखो यहाँ पे तो मेरा जो जे है वो इस इंडेक्स वैल्यू तक uh, कम

एज यू कैन सी हेर फिर नाइन को टू को कम्पेयर किया तो अगेन मेरी स्वैपिंग हो जाएगी नाइन पीछे चला जाएगा टू आगे आ जाएगा फिर नाइन को एट को कम्पेयर किया अगेन स्वैपिंग हो जाएगी फिर मैं नाइन को और थ्री को कम्पेयर करूँगी तो अगेन मेरा ये स्वैप हो जाएगा ठीक है सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लूप आई गेट ये जो इनर लूप मेरा जब कम्प्लीट हो गया तो मेरे को जो लिस्ट मिली वो क्या मिली फाइव सेवन फोर टू एट थ्री नाइन ठीक है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट और यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट है पूरी लिस्ट में पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है नाइन वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है अकॉर्डिंग टू द सॉर्टेड लिस्ट ठीक है सॉर्टेड लिस्ट में जो उसकी करेक्ट लोकेशन होनी चाहिए वहाँ पे वो पहुंच गया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पास वन पास टू में फिर मेरा क्या होगा अगेन अब अब मेरा क्या है आई की वैल्यू तो जीरो ही है और जे की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू अब मेरी हो जाएगी न, ये वन राइट right? और जे की वैल्यू फिर मेरी चलेगी जीरो से लेके एन माइनस वन माइनस वन मतलब सेवन माइनस टू हुआ अब मेरा ठीक है तो uh, ये कहाँ तक चला फाइव फाइव मतलब ये जो एंडिंग वैल्यू है मेरी फ़ाइव कैलकुलेट होके आई तो फाइव माइनस वन मतलब फोर तक चलेगा तो ये फोर्थ इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पे अब मेरा क्या है एट है तो ये आप देख रहे हो बोल्ड बॉर्डर्स में इतने के इतने लिस्ट के लिए अब मेरा ये पास टू चलेगा ठीक है अब आप बोलोगे कि मैम लास्ट में भी आपने बोला था कि पास जो चलेगा वो सिक्स ये फिफ्थ इंडेक्स तक जाएगा लेकिन आपने तो सिक्स इंडेक्स को भी ले लिया यहाँ पे आप देख रहे हो नाइन कोर थ्री को कम मैंने येलो में ले रखा है तो वो ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिस्ट जे एंड लिस्ट जे प्लस वन इनको कंपेयर कर रही हूँ तो जे तो मेरा यहीं तक ही जा रहा है लेकिन जब मैं जे प्लस वन ले रही हूँ तो फिर वो मेरा लास्ट एलिमेंट भी इंक्लूड हो जा रहा है सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस ठीक है तो अब जो मेरा पास टू है वो चला मेरा फॉर द इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो टू आ, ये फोर ठीक है मतलब यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो इट इज़ सेवन माइनस वन माइनस वन यानी कि फाइव और क्योंकि एंड वैल्यू मेरी फाइव है तो इंडेक्स वैल्यू फोर तक मेरा ये लूप चलेगा फ़ाइव माइनस वन तक ठीक है रेंज फंक्शन जैसे हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग तो अगेन मुझे वही करना है कि मैं लेफ़्ट टू राइट चलूँगी और कंजिक्यूट जो मेरे एडजस्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको मैं कंपेयर करती चलूंगी तो मैंने फाइव और सेवन को कंपेयर किया नो चेंज सेवन और फोर को कंपेयर किया सेवन पीछे जाना चाहिए पीछे चला गया मेरा फिर मैंने सेवन और टू को कम्पेयर किया तो अगेन मेरा सेवन स्वैप हो जाना चाहिए फिर से मैंने स्वैपिंग कर दी सेवन और एट को कम्पेयर किया नो चेंज एंड देन एट और थ्री को कम्पेयर किया तो एट मेरा अगेन वापस Uh, मतलब थ्री uh, के साथ स्वैप हो जाना चाहिए तो मैंने स्वैपिंग कर दी एट की और थ्री की एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पास टू आई गेट दिस लिस्ट फाइव फोर टू सेवन थ्री एट नाइन राइट तो बहुत सिंपल था पास टू भी आपने देख लिया अब देखो एट द एंड ऑफ ईच पास जो मेरा हाईएस्ट एलिमेंट है इन द सब लिस्ट वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे पहुंचता जा रहा है जैसे uh, इस पास में मेरा नाइन था हाईएस्ट एलिमेंट वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे चला गया था और पास टू में मेरा एट था इन द सब लिस्ट जिसमें मैं लूप चला रही हूँ उसमें एट मेरा हाईएस्ट एलिमेंट था वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे चला गया तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वन एलिमेंट इन ईच पास इज बबल्ड आउट एट इट्स करेक्ट लोकेशन एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट बबल सॉट ठीक है पास थ्री देख लेते हैं अब पास थ्री में क्या होगा अब देखो आई की वैल्यू मेरी हो गई पहले आई की वैल्यू मेरी क्या थी जीरो फिर आई की वैल्यू वन के लिए चला अब आई की वैल्यू हो गई मेरी टू तो अब मेरा जे जो लूप चलेगा वो चलेगा जीरो से लेके कहाँ तक एन माइनस टू माइनस वन मतलब कि एन माइनस थ्री तक एन माइनस थ्री मतलब सेवन माइनस थ्री कितना हुआ फोर और क्योंकि एंडिंग वैल्यू फोर है तो इंडेक्स वैल्यू का जीरो से लेके थ्री तक मेरा ये लूप चलेगा मतलब अब मैं फाइव फोर टू सेवन सिर्फ इन एलिमेंट्स के लिए ये ये जे की वैल्यू जीरो से लेके थ्री तक इन वैल्यूज़ के लिए मैं अपना ये पास चलाऊंगी तो अगेन वही करना है कि मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूंगी और दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगी जो बड़ा होगा उसको पीछे ले जाऊंगी तो फाइव और फोर को कंपेयर किया ऑब्वियसली फाइव बड़ा है तो मेरी स्वैपिंग uh, हो गई फाइव पीछे चला गया फिर फाइव और टू को कंपेयर किया फाइव फिर से पीछे चला गया फिर फाइव और सेवन को कंपेयर किया तो नो no चेंज और फिर सेवन और थ्री को कंपेयर किया तो सेवन मेरा पीछे चला गया थ्री आगे आ गया एंड एट द एंड ऑफ पास थ्री आई गेट दिस लिस्ट फोर टू फाइव थ्री सेवन एट नाइन राइट अगेन पास फोर देख लेते हैं अब पास फोर में क्या होगा uh, आप पास फोर में आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई है थ्री ठीक है तो सेवन माइनस फोर मतलब सेवन माइनस थ्री माइनस वन तो सेवन माइनस फोर हो गया ना तो सेवन माइनस जीरो से लेके सेवन माइनस फोर यानी कि जीरो से लेके थ्री तक यानी कि जीरो वन एंड टू सिर्फ इन तीन इंडेक्स वैल्यूज़ के लिए मेरा ये लूप चलेगा तो अगेन वही करना है कंपेयर करेंगे और बबल आउट करेंगे फोर और टू को कंपेयर किया फोर पीछे चला जाएगा फिर फोर और फाइव को कंपेयर किया नो no चेंज फिर फाइव और थ्री को कंपेयर किया तो फाइव पीछे चला गया एंड एट द एंड ऑफ पास फोर आई गेट दिस लिस्ट ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अब तो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा बट स्टिल एंड तक हम देखेंगे क्योंकि कुछ अभी मिसिंग है पास फाइव देख लेते हैं अब अब आई की वैल्यू हो गई है मेरी कितनी फोर ठीक है तो सेवन माइनस फोर माइनस वन यानी कि सेवन माइनस फाइव यानी कि टू तो ज़ीरो से टू की रेंज में मेरा जे लूप चलेगा तो ज़ीरो से टू की रेंज में मतलब खाली ज़ीरो और वन इंडेक्स वैल्यू के लिए ठीक है तो टू और फोर के लिए ये चलेगा टू फोर को कंपेयर किया नो चेंज फिर फोर और थ्री को कंपेयर किया तो फ़ोर मेरा पीछे चला गया और थ्री आगे आ गया एंड आई गेट दिस लिस्ट ठीक है अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी लिस्ट सॉर्ट आउट हो चुकी है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टिल आपका जो ये जो एलिमेंट है यो ये अपनी करेक्ट लोकेशन पे नहीं हो तो यू नीड टू रन दिस टिल द एंड ठीक है तो पास सिक्स में मेरा क्या होगा अब पास सिक्स मेरा चलेगा कहाँ से कहाँ तक अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है फाइव राइट right? तो सेवन माइनस फाइव माइनस वन यानी कि सेवन माइनस सिक्स यानी कि वन ठीक है तो ज़ीरो से लेके वन तक मतलब सिर्फ जीरो एथ एलिमेंट के लिए ये मेरा जे लूप चलेगा और जीरो और जीरो प्लस वन इंडेक्स वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा मतलब टू और थ्री को कंपेयर किया इस केस में नो no चेंज है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार ऐसा ही हो एंड एट द एंड ऑफ पास सिक्स आई गेट माई लिस्ट सॉर्टेड ठीक है तो फिर मैं लूप से बाहर निकल जाऊँगी सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करूंगी और डन अब यहाँ पे समझने वाली बातें क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं हम जो मैं ये लूप चला रही हूँ मेरी जो लिस्ट का जो एक्चुअल साइज है टोटल नंबर ऑफ़ पासिस कितने हो रहे हैं जो लिस्ट का एक्चुअल साइज है उससे माइनस वन मतलब मेरे लिस्ट की लेंथ कितनी थी सेवन तो मेरे टोटल नंबर ऑफ पास कितने चले हैं सिक्स राइट और इन एवरी पास वन एलिमेंट इज़ बबल्ड आउट एट इट्स करेक्ट लोकेशन और जो मैं पास के अंदर जो आइट्रेशंस चला रही हूँ दे आर द नंबर ऑफ पास माइनस वन तक मतलब जैसे मेरे टोटल सिक्स पास थे तो इनिशियली मेरा फाइव इंडेक्स तक चला फिर मेरा फोर इंडेक्स तक चला फिर थ्री तक फिर टू तक फिर वन तक एंड फाइनली सिर्फ जीरो इंडेक्स के लिए तो आई होप ये बबल सॉर्ट आपको समझ में आया होगा राइट इसको एक बार हम एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं ये मैंने प्रोग्राम बना रखा है सेम लिस्ट ले रखी है ठीक है और मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको थोड़ा छोटा कर दूँ अब यहाँ पे आप देख लो कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं ओरिजिनल लिस्ट मेरी ये थी सेवन फाइव नाइन फोर टू एट थ्री फिर लिस्ट आफ्टर पास वन मुझे क्या मिल रही थी फाइव सेवन फोर टू एट थ्री नाइन तो वही मिली है मुझे फाइव सेवन फोर टू एट थ्री नाइन फिर लिस्ट आफ्टर पास टू फाइव फोर टू सेवन थ्री एट नाइन तो फाइव फोर टू सेवन थ्री एट नाइन राइट फिर लिस्ट आफ्टर पास थ्री कितनी थी फोर टू फाइव थ्री सेवन एट नाइन फोर टू फाइव थ्री सेवन एट नाइन राइट फिर लिस्ट आफ्टर पास फोर मेरी क्या थी टू फोर थ्री फाइव सेवन एट नाइन तो यू कैन सी हेयर टू फोर थ्री फाइव सेवन एट नाइन सेम है मेरा देन आफ्टर पास फाइव टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन ठीक है पास सिक्स सेम था नो no चेंज था उसमें मेरा और सॉर्टेड लिस्ट भी सेम थी तो बेसिकली तो मेरी पास फाइव पे लिस्ट सॉर्ट आउट हो चुकी थी लेकिन स्टिल uh, मेरा पास सिक्स रन किया एंड दिस इज़ द शॉर्ट फॉल ऑफ़ दिस शॉर्टिंग एल्गोरिथम और इसको हमने बाकी शॉर्टिंग uh, एल्गोरीथम्स में कैसे ओवरकम किया वो भी देखेंगे बबल uh, शॉर्ट में इतना ही थैंक यू सो मच